भाई है विनोद गुप्ता जी, क्योंकि पिछले 12 साल से वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री को बड़ा बनाती हैं। तो ये वो एक वो पहल है जो उन्होंने कर रखी है। तो कौन सी फिल्म कौन से आइटम सॉन्ग के लिए नॉमिनेट थी और आइटम सॉन्ग कितना अवेलेबल होता है भोजपुरी फिल्मों के खास कर बात करें तो? मैं शिवरक्षक के लिए नॉमिनेटेड थी और वो गाना एक्चुअली आइटम सॉन्ग ही था, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग है। उसका एक्चुअली सीक्वेंस ये ऐसा था कि एक लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते बॉम्बे आता है और मुझसे टकरा जाता है, और जैसे टकरा जाता है तो वो मुझसे एड्रेस पूछते हैं, मैं बोलते हैं ऐसे नहीं एड्रेस बताऊंगी, जब तो मेरे से डांस नहीं करेगा तो एड्रेस नहीं बताऊंगी। वो डांस करते उसके बाद उसको एड्रेस बताते, कॉमेडी सीक्वेंस था बट गाना वॉज सुपर्ब, बहुत ऑसम सॉन्ग था, मैंने कभी देखा उस पर टी वी पर भी और बहुत बहुत बढ़िया। मैम आजकल आप फिल्में बहुत कम कर रही हैं, क्या वजह है खास? भोजपुरी मैं साल में एक या दो फिल्म ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, इसका नहीं है। मैं हिंदी कर रही हूँ बहुत बड़ी, और अभी एल्बम भी शूट किया हमने जी म्यूजिक का, 3 दिन पहले 15 नवंबर को हमने उसकी शूटिंग की है जी म्यूजिक के लिए। मैं और करण ने हमने पहली बार डेब्यू किया है, बहुत जल्दी आप लोगों को डेफिनेटली बुलाएंगे, आपके बिना तो पूरा नहीं होगा। जिस दिन हम उसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं 5th December को उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम वेब सीरीज कर रहे हैं 24, 25, 26 को पहरेदार, जो हम लोग ऑल्ट बालाजी के लिए बना रहे हैं, और उसके बाद गंगा सागर की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग दिसंबर एंडिंग से। तो मैं मोर ओवर हीरोइन से ज़्यादा प्रोडक्शन में बिजी हूँ अपने, क्योंकि जो अभी हमने एल्बम बनाया है जी म्यूजिक का वो मेरी होम प्रोडक्शन में है, और जो वेब सीरीज करने जा रहे हैं वो मेरी और करण की हम दोनों के अपने होम प्रोडक्शन में है, और गंगा सागर हमारे होम प्रोडक्शन में है। तो ये I'm busy quite, कुछ काम ज़्यादा करने से अच्छा कि अच्छा काम करो, क्वालिटी काम करो, और फिर कंपनी है एम्प्रर, उसकी डायरेक्टर उसका कार्यभार भी संभाल रखा है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ बींग ए बिजनेस वूमन इस साल कुछ। तो कह सकते हैं कि हीरोइन कम बिजनेस मैन ज़्यादा हो गई हैं आप? होना ही पड़ता है, मुझे लगता है कि हीरोइन को करना ही चाहिए, थोड़े समय के बाद बिजनेस में अपने आप को ना लेना चाहिए, क्योंकि हीरोइन की बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती हमारी इंडस्ट्री में, और अपने आप को सेटल मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं शायद घर नहीं बैठ पाऊँ कभी भी आफ्टर हीरोइन का जो काम करना बंद भी कर दूँगी तो मैं शायद घर नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है मैं घर बैठी रहूँ, मुझे लगता है कि कीप ब्रिंग वर्क कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए अभी से शुरुआत कर रही हूँ, क्या आगे बिजी रखने के लिए प्रोडक्शन हाउस को अभी से सेटल कर। तो क्या आगे संभावना जताई जा सकती है राजनीति में भी आपके कदम होंगे? गॉड नोज करण, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिशियन है और वो चाहते हैं कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँ, हो सकता है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि अनारा गुप्ता को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बस यूँ ही प्यार देते रहिए, यूँ ही इतना आपने अपने आँखों पे मुझे जैसे बिठा के रखे, और बस मेरी फिल्म में मेरे काम मेरा प्रोडक्शन हाउस मैं कुछ भी करूँ उसको देखिए, उसको सराहिए, उसमें कुछ अगर अच्छा ना लगे तो मुझे फीडबैक। ओके, थैंक यू।